Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केसेस से। 17 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 14 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। 200 एक्टिव केसेस चल रहे हैं फिलहाल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। KSRTC को चलते हुए आज एक स्ट्राइक हुई, जहां पर ड्राइवर्स और कनेक्टर्स का मानना यह है कि गवर्नमेंट उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय बनाए और स्टेट एम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं उन्हें जल्द से जल्द मिले। आई देखते हैं उस हंगर स्ट्राइक के शॉर्ट हाइलाइट्स। हमारा मांग, ड्राइवर कंडक्टरों का मांग क्या है बोले तो, हमारा को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करना और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी मिल रही है, सैलरी हो, जो भी सुविधाएं हो, वो हमारा को मिलना। हमारा को बीवी बच्चा है, हमारा को ये जो अभी सैलरी दे रहा है वो अपन को बस नहीं हो रहा है, हमारा को घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम ये भूख हड़ताल करें, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं करता हम ये स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। जो भी बस गया है वो रूट के ऊपर गया है, वो जैसा ही बस स्टैंड आएगा वो रुक जाएगा, हम लोग ही चलाने वाला है। हम ये दूसरों का स्ट्राइक नहीं है, ये अपना ही स्ट्राइक है। हमारा को डिस्टर्ब कोई भी नहीं करना, हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट वाला जो भी है अपना ऊपर यूनियन वाला बेंगलुरु में स्ट्राइक कर रहा है, जो वो जो फैसला लेगा हम उसके साथ है। जब तक वहाँ से हमारा को ऑर्डर नहीं मिलता तब तक हम ये स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। PFI ने मुस्लिम चौक पर स्ट्राइक की, जहां पर उनका मानना है कि जिस तरह से BJP सरकार टारगेट कर रही है PFI को और किस तरह से ED टारगेट कर रही है कई सारे PFI के नेशनल लीडर्स पर। आइए देखते हैं एग्जैक्टली वहां पर क्या क्या हुआ और स्ट्राइक में किसने क्या कहा। अरे नरेंद्र मोदी सेम 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 सेम। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आई है, जब से जो है मुल्क के इदारों को इस्तेमाल करने की जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, आप देख सकते हैं वो दहली फसाद के अंदर NIA का इस्तेमाल हो या CBI का इस्तेमाल हो या ED का इस्तेमाल हो, जो भी मुल्क के दस्तूर के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा, मोदी गवर्नमेंट उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनकर ज़मीन पर उतर कर काम करती है, इसके पूरे नेशनल लीडर्स के घर पे छापे मारे गए। तकरीबन इंडिया के अंदर 26 मुकामात पर रेड मारी गई। उनका एक ही मकसद है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोका जाए, उसके मकासद में आगे बढ़ने के लिए ना बढ़ने के लिए जो उनको रोका जाए, उनकी आवाज़ को दबाने के जो पीछे जो है उनको पड़े हुए हैं। हम इस एहतजाज के जरिए से आज जो मुल्क गिर हमारा जो एहतजाज चल रहा है, इस मुल्क गिर एहतजाज के जरिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी की आवाज़ से दबने वाली तंजीम नहीं है। हम लोग उठे हैं अपने हकूक की लड़ाई के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम आखिरी सांसों तक लड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं रोटरी क्लब ऑफ गुलबर्गा मिड टाउन, जिन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। कमिश्नरेट ऑफिस में उन्होंने हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर दिया और 500 मास्क और एक रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया कमिश्नरेट ऑफिस को। जैसे कि आप जानते हैं पुलिस फोर फ्रंट में रहती है हमेशा, चाहे वो COVID-19 रहने दो या फिर क्राइम। रोटरी क्लब ने एक अच्छा जश्न देते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश की। आइए देखते हैं। आई डॉक्टर सुधार हलके, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी मिड टाउन गुलबर्गा। आई एम हियर विद माई अदर बोर्ड मेंबर्स फॉर द डोनेशन ऑफ हॉट एंड वाटर कोल्ड डिस्पेंसर अलॉन्ग विद 500 N95 मास्क टू द कमिश्नर्स ऑफिस, एंड वी हैव डोनेटेड दिस इन द इन प्रेजेंस ऑफ सतीश कुमार सर, हु इज द कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा पुलिस। We thank all our Rotarians and the police personnel on this day. A lot of our police personnel have done a lot of work during the COVID period and flood related time. The health officers and the police people, especially these two and the cooperative workers, so we are trying our best what we can do for them, and we have donated 500 N95 masks as well to the police officers and police personnel, and we wish them a very healthy life. They are very important to take care of all of us.
LNT ने आज एक रोड सेफ्टी वीक को चलते हुए एक अवेयरनेस कैंप की, जहां पर उन्होंने जगत सर्कल पर लोगों को बताया कि किस तरह से ड्राइविंग करते वक्त आपको केयरफुल रहना चाहिए और सारे सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। इस मौके पर संजय कुमार, जो कि LNT के प्रोजेक्ट हेड हैं, इस बारे में बात करते हुए नजर आए और साथ साथ वहाँ पर सीनियर कॉरपोरेशन के ऑफिसर जाधव जी वहाँ पर मौजूद थे। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर LNT के इस रोड सेफ्टी वीक में क्या क्या हुआ। आज हम लोग यहाँ पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आए दिन काफ़ी एक्सीडेंट के नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है और लोग सेफ्टी के मामले में काफ़ी इग्नोरेंस हो गए हैं, क्योंकि सेफ्टी एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ टू द सोसाइटी। तो पहले सेफ्टी हमसे शुरू होगा और फिर ये घर में जाएगा, फिर ये सोसाइटी में जाएगा। कॉमन सेफ्टी है और वो कॉमन है, लोग को हेलमेट पहनना है, स्पीड ब्रेकर्स स्पीड रूल फॉलो करना है, नाइट में डीपर लगा के ड्राइव करना है, सिटी में हाई बीम पे नहीं ड्राइव करना है, ड्राइव करते समय मोबाइल यूज़ नहीं करना है, और हम जब ड्राइव करते हैं सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट यूज़ करना है, हेलमेट यूज़ करना है, और टू व्हीलर है, टू व्हीलर में डबल सवारी ही जाना है, ट्रिपल सवारी नहीं जाना है, क्योंकि अगर ट्रिपल सवारी जाने से टू व्हीलर बना है दो लोगों के लिए, तो वी आर प्लेइंग विद द सेफ्टी ऑफ द मशीन। और सेफ्टी हमारे अंदर से आना चाहिए, ये किसी के बोलने और कहने से नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी है तो हम हैं, सेफ्टी से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो सबसे पहले हमको ही रिस्क है। आखिर में हम बात करने वाले हैं, सबसे मेजर जो बात चल रही है आज वो है एंटी काउ स्लॉटर बिल। जी हाँ, उस पर नासिर हुसैन उस्ताद ने आज ट्वीट किया कि मेजर सेटबैक फॉर विच वी गवर्नमेंट एंटी काउ स्लॉटर बिल एज अवर बिलव लीडर फॉर्मर CM HD कुमार स्वामी रेफ्यूज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन पासिंग द बिल। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया कि बिल को टेबल पर नहीं आना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने बैकआउट कर दिया था, कांग्रेस बॉयकॉट करके वहां पर अवेलेबल नहीं थी, और कुमार स्वामी की पार्टी यानी JDS पार्टी ने कहा कि वो इस बिल के हित में नहीं है। कुल मिला के BJP के 31 मेंबर्स हैं 75 मेंबर काउंसिल के अंदर, इसका मेन जो सपोर्ट जाता है JDS का 14 मेंबर्स, जिसे पास होना ज़रूरी है। कांग्रेस के पास 29 मेंबर्स हैं, JDS के पास 14, और ये सारे लोग इस बिल के खिलाफ हैं, इसकी वजह से ये बिल अब फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहा है। ये भी एक बात आ रही है कि BJP इसे ऑर्डिनेंस बनाकर वापस पेश करेगी, इसलिए वो खामोश है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक के अंदर ये बिल लागू होगा या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए gohash.in साथ, ताकि हम आपको देते रहें सारी खबर, वो भी फार यानी कि फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। gohash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट gohash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।